दिस इज़ मी प्रिया है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है या फिर यूँ कहूँ जो ब्लॉग होने वाला है वो मेरे पुराने स्कूल का होने वाला है। आई नीड टू चेंज माय स्कूल आफ्टर 10th, क्योंकि जो मेरा पहला स्कूल था वो सिर्फ 10th तक था। तो ये ब्लॉग उस 10th के स्कूल का और सारी मेमोरीज का होने वाला है, जो कि मैं चाहती हूँ आप भी रिलेट कर पाओ, अपनी स्कूल मेमोरीज को दोबारा रिकॉल कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, बहुत टाइम बाद, देखते हैं क्या होगा। मैं फ़ोन दूर पे नहीं रख पा रही क्योंकि फ्रंट कैमरा ख़राब है, अब देखते हैं। जल्दी मैं DAV चौक की साइड से, और वहाँ पे जाते वक्त मुझे बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही थी और बहुत सारी किस्से रिकॉर्ड हो रही थी। मुझे लक्षणा मिल चुकी है। लक्षणा, हाय बोलो। हम आज कहाँ जाने वाले हैं? अपने पुराने स्कूल। क्यों, सोच क्या सोच के तुम अपने पुरानी यादों को याद कर रही हो, ये बताओ। पूरी यादें याद कर लेनी क्यों, मतलब ऐसे 4 साल बाद कौन सी माता आई थी या तुमने क्या डिसाइड किया? इसने फोर्स किया मुझे। मैंने फोर्स नहीं किया गाइस, इन्होंने मुझे जूते पहनने मजबूर किया था। देखो कितने लंबे जूते पहने मैंने। अब बोलो सच क्या है, बोलो बोलो। तो लक्षणा मेरी सीनियर है, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम स्कूल जाएंगे 4 साल बाद। उससे 5 साल हो गए मेरे को 4। हम रास्ते में जब जा रहे थे तो ये स्कूल मुझे हमेशा याद आता था, क्योंकि ये ना सरकारी स्कूल था और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अच्छे से मेंटेन था, हमारे स्कूल से बहुत बेटर। इस शॉप पे हमेशा हम रुकते थे और बतीसा या फिर कुछ ना कुछ लेते रहते थे। मैं तो यूजुअली खाती रहती थी क्योंकि साइकिल से जाने का मुझे बहुत शौक था। नई नई शॉप्स खुल गए जनाब, देखिए यहाँ पे तो हलवाई भी आ गए हैं। काश हमारे टाइम पे खुली होती, हम रोज़ कुछ ना कुछ खाते हुए जाते। रास्ता मुझे वही लगता है, बट वहाँ पे ना फ्लोरिंग हो गई है, मतलब ऐसे सीमेंट की। और जब हम थे ना स्कूल जाया करते थे तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम पानी पानी भरा रहता था, तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। यही वो प्राचीन गेट है जहाँ से हम बंद करने की रोक कर जाया करते थे, भैया यहाँ से निकल जाया करते थे। हमें इस बात का बहुत गम है, पर यही वो गेट है जिससे छुट्टी के बाद हमारा जाने का मन करता था। पता नहीं मेरा टोन डॉक्यूमेंट्री वाला क्यों हो गया। नहीं सीरियसली यार, मैं पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, बट पुराने स्कूल को देखने की चाहत मेरी बहुत पहले से थी। मैं हमेशा हाईवे से देखा करती थी और फाइनली वो जो पूरी हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। द बिगेस्ट फियर ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल इज कि लोग हमें पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। तो हमें बैठाते भैया ने रिसेप्शन पे, कहा जब टीचर आएंगी तब तुम्हें अंदर भेजा जाएगा। और हमने बुलाया बलविंदर मैम को, उन्होंने स्टार्टिंग में हमें नहीं पहचाना। मैडम ने पहचान लिया है, बेइज्जती नहीं हुई हमें। हमें कैमरा बहुत जल्दी से नीचे कर दिया, मगर वो भी हमें देख के खुश थी और हमसे पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, तो अच्छा लग रहा था। और मैम से रिक्वेस्ट करके मैंने मैम को भी अपने ब्लॉग का पार्ट बना लिया। माई डेस्टिनी इज द बिगेस्ट प्लेयर, मतलब जिस दिन मैं स्कूल गई उसी दिन टीचर्स की थोड़ी देर बाद मीटिंग होनी थी, PTM भी थी, क्लासेस बंद थी। सीरियसली इतनी सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों होनी थी, बट मुझे ना बहुत सारे टीचर्स मिल गए, इंक्लूडिंग राजीव सर, विशाल सर, विवेक सर, अनुपम मैम, पिंकी मैम भी दिखी थी और बहुत सारे टीचर्स दिखे थे। बट मेरा बेस्ट पार्ट था कि मैं विवेक सर से मिली और उनसे बातें कर रही थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो मेरे फेवरेट टीचर थे और मुझे उन्हीं ने मैथ्स को फेवरेट बनाया था। आई हैव अ क्यूटेस्ट मेमोरी विद द स्टाफ। एक बार हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड था और मतलब मैं बाबा फेस धो रही थी, फिर अचानक से विशाल सर आते हैं, वो कहते हैं प्रिया यहीं पे नहा लो। तो उस दिन ना मुझे बहुत अजीब लग रहा था और उसे रिक्रिएट करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। अभी ना मैं तुम्हें एक सीन दिखाने वाली हूँ। ये रास्ता तुम्हें नॉर्मल लगता है बट मेरी सपनों की दुनिया में ना ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर दिखाई देता है। सपने में यहाँ पे आती हूँ, मैं क्लासेस में झांक रही होती हूँ और सब मुझे देख रहे होते हैं, वो कहते हैं मुझे अंदर आ जा अंदर आ जा। जब मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे कोई पीछे से खींच के लेके जाता है और पार्किंग की साइड में, मतलब जहाँ पे साइकिल पार्क होती है ना वहाँ पे मेरा मर्डर हो जाता है। सीरियसली, हाँ यार सच में तुम्हें नॉर्मल लग रहा है और मेरे सपनों में कुछ इस तरीके से लगता है। मेरी दिस हार्श मेमोरी ना कॉमिकल वे मैंने सभी को ये स्टोरी सुना दी कि यार मेरा मर्डर हो जाता है यहाँ पे। भैया ने भी कहा संभल के जाना कहीं मर्डर ना हो जाए, और मैं इसी डर के साथ आगे बढ़ती गई धीरे धीरे। सोचा उस जगह तक जाऊंगी जहाँ पे मेरा मर्डर हो जाता है, मतलब कॉर्नर पे साइड में थोड़ी सी जगह होती है वहाँ तक। और भैया ने फिर हमें कहा कि तुम वापस मुड़ जाओ कि टीचर्स की मीटिंग चल रही है और यहाँ पे एक विंडो खुली हुई है, अगर टीचर्स ने तुम्हें देखा तो कहीं तुम्हें डांट ना दे। तुम अपने पैर पीछे करने पर गए। मैं यही सोच रही हूँ थोड़ा आगे जाऊँगी मरना जाऊँ। कुछ देर बाद मुझे धर्मेंद्र सर मिले, मैंने उनको बाय बोलने के लिए बोला। कुछ भैया दीदी मिले, मैंने उनको बाय बोलने के लिए बोला। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पहचानता है या नहीं, बट स्टिल मुझे मजा आ रहा था क्योंकि ये बाय मेरे लिए नहीं था, ये बाय था तुम्हारे लिए, जो कि इस ब्लॉग को देख के ना पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। आई नो लाइफ बहुत मुश्किल होती है, तुम बहुत स्टक हो चीज़ों में, बट यू नीड टू हैव सम टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू रिक्रिएट योर मेमोरीज। कोई भी चीज़ कभी भी कैसी नहीं होती। वॉट आई कंसिडर इन लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। आपको नहीं पता आप कब कहाँ पे कैसे अपनी लाइफ को टाटा बाय बाय कर दोगे। और एटलीस्ट इस ब्लॉग के थ्रू ही सही, बट मैं अब दोबारा अपने सपनों में नहीं मरूंगी।
भाई आप सजल को जानते हो? थोड़ा जानता हूँ लेकिन। सजल के बैच को याद है आपको? सिर्फ सजल याद है, सजल का बैच याद है? बैच याद है, सजल को भी याद है। सजल को भेजूंगी वीडियो। अपने स्कूल को बाय बाय बोलते हुए, अपनी परछाई को बाय बाय बोलते हुए हम चलती रास्ते की तरफ। और वही स्कूल जिसका चक्कर में हम पूरी क्लास को ताना देते थे। तुम नाली के पास के स्कूल से आती है, वही शॉप जहाँ पे हम बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे 15 की एक बोतल, और उसके आसपास वाली सारी एरिया को मैं घूर रही थी और कह रही थी मैं यहाँ भी मर जाती हूँ इतना। डना कॉल भूमिका, क्योंकि यार हम तीनों बहुत टाइम बाद मिल रहे थे और उसे बुलाने के बाद ये हुआ कुछ। तो गाइस फाइनली हमने भूमिका को बुला लिया। भूमिका हाय बोलो। हेलो गाइस, मुझे अच्छा लगा हर व्लॉग में देख के, इसमें भी आ गई मैं। और ये देखो ये हमारे नए पर्सन है व्लॉगिंग की दुनिया में। हेलो बोलो बेटा, व्लॉगिंग की दुनिया में एक बार और बोलो। हाय बोलो। हेलो, ये लाएंगे, ये लाइन हम काट देंगे, इनके ऊपर ब्लर मारूंगी। हाँ गाइस देखो ये डीएवी स्कूल है, ये वो स्कूल है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ मिलते थे और उनके चक्कर में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। यही वो स्कूल है और स्कूल को देख के हमेशा सोचते थे काश हम भी स्कूल में होते। तो दैट इज ऑल, थैंक यू। यही वो दीवार है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक वक्त की बात है, मैंने एक छोटे बच्चे की साइकिल ली थी और साइकिल लेने के बाद मैं तेज दौड़ा रही थी और आदमी था कौन अच्छा था, नहीं था। और एट दी एंड मेरी साइकिल में ब्रेक मारा, वो वहाँ से आई थी गाड़ी इसी दीवार में। आइए मैं आपको पूरा रास्ता दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ, दोबारा आऊंगी एक नए व्लॉग, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।